In the name of Allah, my dear students of 9th class, today we will go to discuss the first peninsula river that is non-perennial river. The name of the river is River Narmada. <clears throat> we will go into the detail of this river, where from it originates and where does it go, the whole story of the river. Before going to this, we will see how there are eight. टोटल रिवर्स द मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन द देनन्ार इंडिया कि जो हमारा पेनन्सुलरार इंडिया है ठीक है तो सेंट्रल इंडिया से इसमें बहुत सारे नॉट ओनली ओनली सिक्स जिस जिनकी हम डिटेल पढ़ेंगे दीज और द सिक्स मेजर रिवर्स जो फ्लो करते हैं यहाँ पे, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे रिवर्स है लेकिन छः बड़े बड़े रिवर्स है जिसमें हमारा नर्मदा ताप गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारे रिवर्स आ जाते हैं ठीक है तो हम पहले ही ये देखेंगे कि जो हमारे टोटल आ, रिवर्स है यहाँ पे हम मैप पे देखेंगे आम, ठीक है तो मैप पे हम ये रिवर्स की लोकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये रिवर्स फ्लो करते हैं ठीक है तो कौन कौन सा रिवर्स है ये छोड़िए आप हमारा ये पोर्शन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ठीक है ये डिस्कस किया कि कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं जैसे कि वी डिस्कस इंडस रिवर सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम आज हमने जो पढ़ना है वो हमें ये वाला पोर्शन जो हमारा पेनसुलार इंडिया है ठीक है इसमें कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये वाला रिवर है दैट इज़ नर्मदा रिवर ठीक है इसके बाद जो दूसरा रिवर ताप्ती रिवर है याद रखें कि नर्मदा एंड ताप्ती यही दो रिवर्स है दीज द ओनली टू रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ठीक है ताप्ती एंड नर्मदा इसके बाद बगैर बाकी जो है जिसमें हमारा महानदी आता है ये बे ऑफ बंगाल में जाता है ये फ़्लो करता है टुवर्ड्स ईस्ट गोदावरी ये भी टुवर्ड्स ईस्ट फ़्लो करता है कृष्णा ये भी टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करता है और कावेरी भी टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करता है इन टू द बे ऑफ बंगाल अब ये जो इनकी वेस्टवर्ड या ईस्ट वर्ड फ़्लो क्यों है दिस वे विल डिस्कस जो हमारा ये प्लेटो रीजन है इसका स्लांट जो है वो टुवर्ड्स ट ईस्ट आ जाता है इसी लिए ये मेजोरिटी ऑफ द रिवर जो है वो ईस्ट की तरह फ्लो करते हैं इंटू द बे ऑफ बंगाल तो बाकी सारे रिवर्स जो दो रिवर्स है जिसको हमने आज नॉट ओनली टू रिवर्स ठीक है जो हम देखेंगे कि चार रिवर्स हैं मेन रिवर्स है जो फ्लो करते हैं टूवर्स तो टूवर्ड्स तो दिस वेस्ट जिसमें हमारा नर्मदा है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन में बोल्ड लाइंस में रिवर नर्मदा है रिवर तापती है रिवर माही है और रिवर सबरमती है देख रहे हैं ना आप बेटा ये चार रिवर्स जो है जो हमारे पैनलोलर इंडिया में आता है जिसमें रिवर ताप्ती या तापी जिसमें रिवर नर्मदा है माही है और साबरमाती है ये चार रिवर्स है जो फ्लो करते हैं इन द अरबियन सी ठीक है गोइंग टू द डिटेल ऑफ नाउ द नर्मदा रिवर वी विल डिस्कस द नर्मदा रिवर इन डिटेल फर्स्ट यू वुड सी दिस दिस इज़ द होल बेसन ऑफ नर्मदा ऐसे आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर है ये सारा रिवर रिवर बेसन है हमारा नर्मदा बेसन और ये देखेंगे आप कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द ऑफ द पननसोलार इंडिया जो पैनन्ार इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है वो हमारा नर्मदा है ठीक है तो नर्मदा की डिटेल में हम जाते हैं नर्मदा में ये चीज़ आप देखेंगे कि नर्मदा ये बहुत ही ब्यूटीफुल 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 इमेज बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये बनाते फीचर्स बना देता है ये दिस नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड रीवा एंड प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज नर्ब्यूदा इसका इसका नाम पहले रीवा था ठीक है उसके बाद इसका नाम नर्व्यूदा बी था इसका ओरिजिन जो है वो है अमरकंतक पीक अमरकंतक माउंटेन्स जो है ठीक है तो वही इसका ओरिजिन है वो कहाँ पे लाई करता है ईस्टर्न एंड ऑफ सतपोरा रेंज वो है सतपोरा रेंज जो हम अभी देखेंगे सतपोरा रेंज का जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये अमरकंतक पीक है अमरकंतक माउंटेन है ठीक है नियर अन्नपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मीन्स कि नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के अन्नपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंद माउंटेन से ओरिजिनेट हो जाता है यहाँ पे आप बेटा एक बात मैं कहूँगी कि जैसे कि हमने देखा हम बात कर रहे थे इंडस इन, गंगा और ब्रह्मपुत्र का वो ओरिजिनेटेड थे ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते थे लेकिन ये नर्मदा जो है ये इसका ओरिजिन कोई ग्लेशियर नहीं है बल्कि एक स्प्रिंग है ये माउंटेन से पानी हो के आता है माउंटेन से पानी निकलता है और वही इसका ओरिजिन इसी अमरकंतक पीक से पानी न, अंदर से निकल जाता है वही इसका जो इस वहाँ あ。 जो रेनफॉल वहाँ पे होती है वो एब्जॉर्ब करती है वो लैंड नीचे से हार्ड रॉक्स है और वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है और वो वहाँ से पीप आउट हो जाता है निकल जाता है और ये हमारे नर्मदा का ओरिजिन बन जाता है और इट फ्लो इसका फ्लो क्या है इन ए रिफ्ट वैली बिटवीन विंधिया रेंज एंड सतपोरा रेंज विंधियन रेंज ठीक है और सतपोरा रेंज विंडियन रेंज ये हमारे ईस्टर्न ईस्टर्न हाईलैंड और दखन प्लैटों के बीच में आ जाता है बिटवीन टू माउंटेन रेंज ऊपर से नॉर्थ में विंध्यन रेंज है साउथ में इसका सतपोरा रेंज है उसके बीच में उन दो माउंटेन्स के बीच में एक रिफ्ट वैली बनी है अब यहाँ पे रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट आ जाता है देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ सपोज ये एक माउंटेन पीक है यहाँ से दूसरा माउंटेन पीक है दिस इज़ विंडियन माउंटेन रेंज एंड दिस इज़ सतपोरा माउंटेन रेंज जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे जब प्लेट्स uh, ड्रिफ्ट हो जाते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो जाती है कॉन्टीनेंटल कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो वहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाता है और ये जो है दिस इज़ ए रिफ्ट वैली तो वही रिफ्ट वैली जो है वहीं से ये फ्लो करता है बिटवीन टू आया समझ उसी रिफ्ट वैली से बिटवीन टू माउंटेन रेंज दैट इज़ विन रेंज एंड सतपोरा रेंज तो नाउ ड्रेन्स ये कहाँ पे ये कहाँ पे ड्रेन आउट हो जाता है इंडिया से निकल के ये कहाँ जाता है हमने अभी देखा है कि ये ड्रेन आउट हो जाता है इंडिया से निकल के अरबियन सी में पहुँच जाता है ये अरबियन सी तो मैं पहुँचने से कहाँ से निकलता है ये गल्प ऑफ खम्बात गल्फ़ ऑफ खम्बाद दैट इज़ द वे वेस्ट ऑफ बरूच सिटी ऑफ गुजरात गुजरात में बरूज सिटी जो हमारा गुजरात का एंड आ जाता है ठीक है जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ पे वो गल्फ़ ऑफ खम्बाद जो है उसी गल्फ ऑफ खम्बाद से निकल के ये अरबियन सी में चला जाता है ये जो नर्मदा है दिस इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनसोला हमारे इंडियन पनन्सोला का ये सबसे लार्जेस्ट दिस फ्लोइंग रिवर है जो हमारे अरबियन सी में चला जाता है नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात गुजरात का ये लाइफ लाइन माना जाता है कि वहाँ पे जो डिपेंडेंस है वाटर डिपेंडेंस uh, जो है लोगों की फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर अदर पर्पजेज डोमेस्टिक पर्पज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस वो यही नर्मदा फुलफ़िल करता है जो ये टोटल लेंथ इसकी है नर्मदा की टोटल लेंथ जो है अमरकन से जो वो गल्फ़ ऑफ खम्बात में एक एशरी बना देता है वो है दैट इज़ इक्वल टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स जो इसका टोटल कोर्स बनता है टोटल लेंथ फ्रॉम द सोर्स टू टू द एच्चुरी ठीक है वहाँ तक वो एश्चुरी यहाँ पे बेटा एक बात मैं आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो एशचुरीज़ बनाते हैं और जो हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वो हमारे डेल्टाज बनाते हैं अब ये डेल्टा क्या होता है और एशचुरी क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ठीक है यहाँ पर मैं और ये थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहती हूँ आपको कि जब एक रिवर निकल के जब वो अपने यहाँ पे म, म, सी में या ओशन में मिल जाता है तो जब वो ब्रांच्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ठीक है सपोज ये कोई रिवर फ्लो करता है अब यहाँ पे आ गया सी या ओशन ठीक है तो ये शाखें बना देता है ये यूजुअली कहाँ पे बनता है जब एक ये जो रिवर फ्लो तो उसका कोर्स बहुत ज़्यादा होता है उसको बहुत लेंथ लेंथ पास करनी पड़ती है और वो फिर वो अपने साथ जो उसके साथ जो मटेरियल होता है लोड होता है रिवर लोड होता है वो डिपॉज़िट करता है और ये ज, जैसा एट द माउथ ऑफ द ओशन और सी जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं ठीक है थीके? अब अगर कोई रिवर ऐसा है फ्लो करता है रिवर ठीक है अब वो यहां पे हमारा ओशन है या सी है तो इसमें जाके ऐसे यहां, यहां पे डिपोजिशन बना देता है ठीक है तो यहां पे दिस इज कॉल्ड एन एश्चुरी ठीक है तो एश्चुरी वहां पे यूजुअली बनती है जहां पे इस रिवर का कम कोर्स होता है इसीलिए जो हमारी नर्मदा रिवर है जब वो गल्फ़ ऑफ ख़म्बाद से अरबियन सी पे पहुँच जाती है वहाँ पे क्या होता है ये एक ऐश्चुरी बना देता है ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पिक्चराइज़ किया गया है ठीक है यहाँ पर देखेंगे आप इसकी लोकेशन ये जो है दिस इज़ विंडियन रेंज और ये वाला जो पोर्शन देखते हो ये सतपोरा रेंज है जो थोड़ा ब्राउनिश कलर से आप देख रहे हैं ठीक है इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाला दिस इज नर्मदा रिवर और यहाँ पे जो ये पॉइंट आप देख देखते हैं दिस इज गल्प ऑफ खम्बात यहाँ से ये अरबियन सी में चला जाता है और ये वहाँ पर एक एश्चुरी बना देता है ठीक है तो आ, अब हम क्या करते हैं ये आपने देख लिया इसके बाद वी विल गो टू अ नदर मैप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी नर्मदा की आप आप ए, लोकेशन देख सकते हैं नर्मदा जो है वो फ्लो करता है टुवर्ड्स वेस्ट और बिटवीन विंध्यन रेंज एंड सतपोरा रेंज रेंज इन द डिन प्लाटो ठीक है तो या, इसके बाद वी विल गो टू यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंट्रल हाइलैंड्स और डकिन प्लाटों के बीच में बीच वाला जो है ये मेजॉरिटी इसका ये देख रहे हैं आपके ये कहाँ से ने नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है कैसे इसकी पूरी लोकेशन जो है वो क्या है ठीक है नाउ एट लास्ट वी विल गो टू दिस स्लाइड ठीक है जैसे कि हमने देखा कि नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंतक हिल से हिल में औरजिनेट uh, होती है औरिजन इसका है देन इट फ्लोज वेस्ट वर्ड्स इन ए रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग जो फॉल्टिंग रॉक फॉल्टिंग हो गई है या प्लेट uh, टेक्टोनिक्स की वजह से जो फॉल्टिंग हो गई उस वजह से रिफ्ट वैली वहाँ पे बनी है और रिफ्ट वैली की वजह रिफ्ट वैली से ही ये जो एक डिप्रेशन सा माउंटेंस के बीच में एक डिप्रेशन आ गए और वहाँ से ये फ़्लो करती है रिवर नर्मदा फ्लो फ्लोज थ्रू डीप जॉ डीप गॉज फॉर्मिंग पिक्चर्स की लोकेशन जब ये अब जब इसकी हम लोग ये देखते हैं इसका कोर्स देखते हैं इसकी जर्नी जब हम नर्मदा की देखते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्जेस बना देते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्ज है जहाँ पे ये ऊपर से नीचे बहता है और बहुत सारे वाटरफॉल्स बना देता है वहाँ पर उसको बोलते हैं दुआ फॉल दुआ फॉल इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये पानी इतना ऊँचाई से गिरता है नीचे लगता है जैसे कि धुआँ फैल रहा है उस पानी का दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ए दुआ फॉल और इसकी मोस्ट ऑफ द टेबरेटरीज ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड जॉइंट एट राइट एंगल इसकी जब हम इसका पैटर्न देखते हैं जो हमने ऑलरेडी रिवर पैटर्न में देखा कि जो इसकी जो टेबोरेटरीज़ है वो शॉर्ट टेबोरेटरीज़ है ठीक है इसीलिए वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती बना देती वो हमने देखा बिकॉज ऑफ द हार्ड रॉक जो इसमें बीच में आ जाती है उस वजह से ये क्या करता है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाता है रिवर फ्लोज़ इन द पाथ्स ऑफ ये कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात में फ़्लो करता है जिन जहाँ पर इनको इस रिवर को लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात रास्ता कहा जाता है थैंक यू दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस रिवर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एनदर रिवर दैट इज रिवर ताप्ती थैंक यू वेरी मच